अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मैं हूं मुजीबुर रहमान। नजर डालते हैं इस हफ्ते मुस्लिम दुनिया में होने वाली अहम खबरों पर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में मखसूस हैसियत की बहाली तक भारत के साथ तिजारत नहीं करेंगे। आलमी वबा के पेश नजर सऊदी अरब ने तमाम मसाजिद में अफ्तार और सहरी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वजीर खारजा ने अपने जारी करदा बयान में कहा है इसराइल के साथ ताल्लुकात से खित्ते को फायदा होगा। मस्जिदुल हराम में कलदम तंजीमों के नारे लगाने वाला शख्स गिरफ्तार। इराकी वजीर आजम ने अपने एक पैगाम में कहा इराक अपनी सरजमीन को सऊदी अरब पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसराइली फौज की बर्बरियत, फलस्तीनी ड्राइवर को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद जबकि एक खातून जख्मी। खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गुज़िश्ता 3 माह में 230 फलस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन के यरूशलम में इंतखाबात की इजाजत के लिए आलमी बरादरी से इसराइल पर दबाव डालने की अपील। उर्दन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने शाही खानदान की अहम शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया। उर्दन के शहजादे ने अपने जारी करदा वीडियो में बताया इन्हें नजरबंद रखा गया है। तुर्की आज़रबैजान दोस्ती, दोनों मुमालिक ने फ्री पासपोर्ट सफर शुरू कर दिया। और तुर्की ने अहम डाटा लीक होने पर फेसबुक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया।